उनको 8-9 किलोमीटर दूर पहले ही रोक दिया जा रहा है। मॉल रोड में तो भाई सुबह से ही गाड़ियां दिख रही हैं। खड़ी बाजार आ गया और मुझे दो दो सेंटा मिल गए। मेरी क्रिसमस। हे गाइस, क्या हाल है सभी का? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं रोहित। सो वेलकम बैक टू दी वीडियो। नैनीताल शहर में टूरिस्टों को आने से क्यों रोका जा रहा है भाई? यहाँ पर 9-9 किलोमीटर दूर पहले ही कार्स को रोक दिया जा रहा है। आखिर क्या माजरा है? बाकी आज नैनीताल शहर में कैसा माहौल है, किस तरीके का टूरिज्म है, कितना ज्यादा भीड़ है, वो देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मॉल रोड की शुरुआत में आ गए हैं और भाई दूर दूर तक हर जगह हर कोने में मुझे लोग ही लोग दिख रहे हैं। इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है ना नैनीताल शहर में, भाई दबा के फुल है नैनीताल शहर। पहले तो सभी को मैरी क्रिसमस, 25 तारीख है आज। और अभी हम यहाँ से थोड़ा सा चर्च की तरफ को भी चलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा नैनीताल शहर में रौनक हो रही है आज से लेकर भाई यहाँ पर 31 तारीख तक गजब भीड़ रहेगी। और मैं बोल रहा था रोका क्यों जा रहा है लोगों को, आखिर क्या कारण है कि 9-9, 10-10 किलोमीटर दूर पहले चौकियां बना रखी हैं और लोगों को रोका जा रहा है। रोका इन द सेंस कि जो फोर व्हीलर लेकर आ रहे हैं, जिन लोगों की ऑनलाइन बुकिंग नहीं है उनको रोका जा रहा है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा जिस तरीके की भीड़ अभी दिख रही है ना, ये कम है सिर्फ उस रोकने की वजह से। अगर लोगों को रोका ना जाए ना, यहाँ पर अंधाधुंध भीड़ हो जाएगी। मॉल रोड में तो भाई सुबह से ही गाड़ियां दिख रही हैं। चाहे हम पूरे नैनीताल शहर की बात करें, सुबह से ही हर जगह गाड़ियां हैं यार। इतनी ज्यादा भीड़ है ना, मतलब क्या ही बताऊं यार। और ये हाल हो ही जाता है इस टाइम पे नैनीताल शहर का। तो हम थोड़ा आगे को चलकर चर्च की तरफ को चल रहे हैं। लाइटें भी लग चुकी हैं पूरी। एक नाइट व्लॉग देखते हैं, अच्छा सा बनाते हैं। बढ़िया जगमगाता हुआ मॉल रोड, भाई मुझे गाड़ियों की इतनी ज्यादा आवाजें आ रही है ना, इसका मैं चलते चलते ना बीच रोड पर आ जाता हूँ यार। तो बीच रोड पे चलना नहीं चाहिए, साइड साइड पे चलो। एक्साइटेड बात है ना, बात करते हुए कुछ ज्यादा ही। मैं बोल रहा हूँ भाई इतनी ज्यादा भीड़ है, क्या होटल मिल पाएगा ऐसी प्रचंड भीड़ में? देखो होटल मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि नैनीताल शहर में सारे होटल पैक हो चुके हैं। हाँ, बहुत लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग कर ली है और वो तो परेशानी से बसते हुए आराम से आ रहे हैं। बट जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करी है और नैनीताल शहर आ रहे हैं 31 के टाइम पे या अभी इस बीच आ रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ रोका जा रहा है, तो आप आ पाओगे या नहीं आ पाओगे, एक ये भी सवाल लोगों के मन में उठ रहा है। देखो ऐसा सीन है ना, आप अपनी फोर व्हीलर लेकर आते हो तो आपको एक स्थाई पार्किंग बना दी गई है तीनों जगहों में, चाहे वो आप हवाली के थ्रू से आ रहे हो, चाहे कालाडोंगी की तरफ से आ रहे हो, चाहे हल्द्वानी की तरफ से आ रहे हो। तो तीनों जगह पर एक चेक पोस्ट बनाई गई है, वहाँ पर को कार पार्किंग होगी, आपकी कार पार्क करी जाएगी, उसके बाद शटल सेवा के थ्रू से आप नैनीताल शहर के अंदर एंट्री मिल जाएगी। फिर होटल ढूंढ लो यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़े महंगे मिल रहे हैं होटल। चर्च बहुत ही सुंदर लग रहा है, शाम को और ज़्यादा जगमगाएगा। तो अंदर चलते हैं यहाँ से और एक बार चर्च के अंदर भी होकर आया जाए, क्योंकि हर कोई जितने भी टूरिस्ट हैं आ रहा है, चर्च जा रहा है, तो रोड क्रॉस करते हैं। नैनीताल वालों का खासकर ऐसा है, साल में एक बार तो चर्च आ ही जाते हैं और क्रिसमस के टाइम पे यही एक मौका होता है। तो अंदर चलते हैं और बहुत सारी प्रेयर्स भी अंदर चल रही होंगी तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम अंदर चल के यहाँ का चर्च भी आप सभी को दिखा देता हूँ। प्यारा सा क्रिसमस ट्री जो दिख रहा है, सभी फोटो वोटो इसके बगल में खड़े होकर खिंचा रहे हैं। आ गए बाहर, अब चलते हैं थोड़ी और ज़्यादा भीड़ में। अभी मुझे कम लग रही है भीड़, थोड़ा सा यहाँ का जो एरिया बदनाम है भीड़ के लिए, उधर की तरफ को चलते हैं। और शाम को और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, वो तो है ही, कल भी ज़्यादा भीड़ होगी, परसों भी। अब दिन प्रतिदिन क्या है ना, भीड़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दूर तक अगर देखोगे ना, सिर्फ मुंडिया ही मुंडिया दिखेंगी। तो ये एरिया भाई, यहाँ तो भीड़ रहता ही है, इसलिए मैं कहता हूँ पर्सनली कि ये एरिया बदनाम है भीड़ के लिए। क्या ठीक है यार, अच्छा है नैनीताल शहर में आजकल टूरिज्म दबाकर है और मज़े आ रहे हैं इस तरीके का माहौल देखने में, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ भाई, टूरिस्ट को परेशानी भी हो रही है क्योंकि जो लोग आ रहे हैं अपनी कार लेकर, उनको 8-9 किलोमीटर दूर पहले ही रोक दिया जा रहा है यार। तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, मतलब नैनीताल शहर कितना दूर है, बस 6-7-8 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर रोक दिया गया है और ऐसा हो रहा है। तो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं यार, हम आए हैं नैनीताल, हमें रोक दिया गया है, हम यहाँ खड़े हैं, शटल सेवा के थ्रू से आ रहे हैं, अपनी कार ओपन में खड़ी कर आ रहे हैं। तो इस टाइप का परेशानी हो रही है। लेकिन यार देखा जाए, वो सारी चीज़ें ही करी जा रही हैं कि यहाँ पर बहुत अत्यधिक भीड़ ना हो जाए। अगर सबको आने दिया जाएगा ना, तो यार शहर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं संभाल सकता है, क्योंकि नैनीताल शहर की स्पेसिफिक कैपेसिटी है यार। अपनी कैपेसिटी से बाहर अगर इसके लोग आ जाते हैं तो परेशानी होने ही लगेगी। आ गया लेक के किनारे, भाई बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। कोहरा जैसा क्या दिख रहा है यार, या धुआं धुआं पता नहीं क्या है सीन। ओए मैं चलते चलते डेक के एकदम कोने पर आ गया, मैं ध्यान भी नहीं था, अब भी भाई मैं पानी में गोता खा जाता। खैर धूप जाने वाली है, लास्ट की रह गई है और ठंड शुरू हो गई है। समय की अगर बात करते हैं तो करीब 5 बजने वाला है,
ठीक है। और जिस बोट स्टैंड पर मैं खड़ा हुआ ना, यहाँ पर को एक, जैसे यहाँ पर को बहुत सारी बोट्स रहती है ना, तो एक तो बोट ये दिख रही है, ठीक, एक दो और तीन, सिर्फ तीन बोट, बाकी सब गई हुई हैं उधर, सारी जितनी भी बोट्स हैं सारी की सारी लेक में सब, मतलब इससे भीड़ का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है किस तरीके की भीड़ हो रही है। स्नोफॉल के रिगार्डिंग जो क्वेरी कर रहे हैं नॉर्मल सी की, कब होगी वो मुझे भी पता नहीं लग रहा, मैं बता भी नहीं रहा हूँ सही बताऊँ तो। बहुत सी व्यूज़ को मैं बोल चुका हूँ कि जनवरी में हो जाए तो अच्छा है स्नोफॉल, बट अभी भी नहीं लग रहा है यार। जिस तरीके का मौसम हो रहा है ना, हल्का हल्का मौसम गर्म होने लग गया है यहाँ पर, ये तो हो क्या, आने वाले दिनों में ठंडा होना चाहिए था लेकिन वैसा ठंडा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। देखते हैं कब होगा स्नोफॉल, अभी कुछ एग्जैक्ट पता लग भी नहीं रहा है। सिनेमा हॉल के पास ही हो ना, इधर देखो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, मस्त मज्जान लाइफ। इधर एक डॉगी जो कि कुछ खाने की तलाश में है, इधर बच्चा, दोबारा एक और गाड़ी आ गई विदाउट, अच्छा हेलमेट तो हुआ ही नहीं इसमें, चलो कोई बात नहीं यार। सो मूवी कौन सी लगी है, डंकी, जो कि मैं देख के आया नहीं। इधर क्रिसमस ट्री के बगल में खड़े होकर फोटोज वोटोज खिंचा रहे हैं, तो पहले हम क्रॉस कर लेंगे जल्दी से। वेरी गुड, मैंने कर लिया। कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है ना, कोई फ़ोटो खिंचा रहा है और आप बीच में से जब निकलते हो। चलो ठीक है, चलो दोबारा से यहाँ से चलते हैं हम सीधे फुटपाथ वाले एरिया की तरफ को। और अरे यार गार्डन ये पता नहीं कब खुलेगा, कम वक्त ये खुल ही नहीं रहा है। ये गार्डन कब खुलेगा कुछ पता है टॉमी? नो रिस्पॉन्स, चलो कोई बात नहीं इस टाइप की मस्ती भी कर लेनी चाहिए यार, डॉग से बातचीत करने में मजा आता है। और थोड़ी देर इनकी आंखों में देखो, ये आंख मार देते हैं ना, तब बची आ जाती है मुझे सबसे ज़्यादा। तो सो बैक टू द भीड़, मार्केट को ही निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि भीड़ अत्यधिक भीड़ बढ़ने लग गई है अब यहाँ तो। चलो यहाँ जो फ्लैट्स वाला एरिया है ना, एक शॉर्टकट मारते हैं सीधे, क्योंकि उतना घूम के दोबारा जाना, मतलब उतनी भीड़ को पार करो, उससे अच्छा बीच में से ही निकल जाओ। और यहाँ पर खुला खुला मैदान, वैसे जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना तो अचानक से आप खुले मैदान में आ जाओ तो अचानक से अच्छा जैसा लगने लगता है। अरे यार वाह, माई स्पेस। सामने अडिक विशाल चाइना पिक जो दिख रहा है, जो सुनहरे पंखों को फड़फड़ाता हुआ गोल्डन जैसा लग रहा है, मतलब क्या ही शब्द निकल रहे हैं यार। सो लास्ट के गोल्डन आवर्स नहीं रह आते हैं, बस वही रह गए हैं। थोड़ी देर बाद धूप जाने वाली है, तभी एकदम सुनहरा सा चमक रहा है ना, ये खड़ी बाजार आ गया और मुझे दो दो सेंटा मिल गए। मैरी क्रिसमस। अरे टॉफीज बांट रहे हो क्या? क्या हमें मिलेगी टॉफी? हेलो हेलो हेलो, यहाँ सेंटा मिल गए यार, टॉफी मिलेगी हमें भी? अरे यार किस्मत खराब हो गई, चलो कोई बात नहीं, ओके मैरी क्रिसमस अगेन, बाय बाय। चलो सेंटा से भेंट हो गई, सेंटा तो मिल गए लेकिन टॉफी नहीं मिले यार, ये तो मलाल हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, बड़े ही स्वीट से बच्चे थे जो दोनों ही सेंटा बन के घूम रहे थे यहीं पर को घड़ी बाजार में ही। तो मार्केट आ गया हूँ, हेरिटेज मार्केट, जिस तरीके की चहल पहल नीचे हो रही है ना और भयानक भीड़ हो रही है, उस तरीके का मतलब कंपेयर वहाँ से करें तो बिल्कुल भी, यहाँ तो एकदम सामान्य सा माहौल चल रहा है। नैनीताल का हेरिटेज मार्केट एकदम सूना पड़ा हुआ है और नीचे भाई इतना भयानक भीड़ हो रही है, क्या ही कहो नैनीताल। देखो यहाँ पर रेस्टोरेंट भी उतने ज़्यादा मतलब खचपच या मतलब भरे हुए नहीं होंगे इस वक्त, देखो खाली खाली से रेस्टोरेंट दिख रहे हैं और नीचे अलग ही माहौल हो रहा है। नीचे कौतिक चल रहा है, कौतिक पहाड़ी शब्द है ना, मेला, तो नीचे चल रहा है मेला और यहाँ एकदम लोग है अकेला। दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। तो आप सभी ने देख लिया किस तरीके का माहौल हो रहा है नैनीताल शहर में, अगर आ रहे हो तो जो जो बताया एग्जैक्ट वैसे ही आना। सो एट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो दबाना जरूर। मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए तेरा।